नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजधानी में 9 अगस्त को यानी एक ही दिन मुस्लिम त्योहार मुहर्रम और विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, यानी कि एक दिन दो त्योहार होने जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी वासियों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसको लेकर 9 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों को छोड़कर इसके अलावा सभी रूट से आने वाले वाहनों का स्थान तय कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी निर्देश के तहत तय स्थान पर ही उक्त रूट से आने वाले वाहनों को आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं 9 अगस्त को शहर के अंदर मेन रोड सहित विभिन्न सड़कों में जरूरत के अनुसार वाहनों का आवागमन बंद किया जा सकता है। यहां तक आ सकेंगे बड़े वाहन कांके से रांची, भाया बोड़िया, बाईबासा, खूंटी से रांची तपुदाना, गुमला सिमडेगा से रांची भाया अरगोड़ा, कटहल मोड़ पलामू, लोहरदगा से रांची तिलता चौक, गुमला सिमडेगा से रांची आईटीआई बस पड़ाव, जमशेदपुर से रांची दुर्गा सोरेन चौक, नामकुम जमशेदपुर से रांची भाया सदाबहार चौक, सदाबहार चौक नामकुम, कांके पतरातू से रांची लॉ यूनिवर्सिटी कांके रोड, बूटी मोड़ से रांची भाया बरियातू बूटी मोड़, खेल गांव से कोकर खेल गांव मोड़। चूँकि 9 तारीख को मुहर्रम भी है, विश्व आदिवासी दिवस भी है, इसको लेकर के यातायात की व्यापक तैयारी की जा रही है। हम लोग सभी जगह पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डिपुटेशन कर रहे हैं, और जहाँ पे रूट डाइवर्ट प्लान या फिर ट्रैफिक प्लान जो है वो भी आप लोग को हम लोग शेयर कर देंगे कि किन पदाधिकारी को, किन डिग्निटरीज को किधर से आना है, ये सभी हम लोग स्पष्ट कर देंगे आज शाम तक कि क्या ट्रैफिक प्लान होगा मुराबादी को लेकर के, और हमारी पूरी व्यवस्था अच्छे से रहेगी। सर, उस दिन कैसे आम लोगों के लिए भी कुछ यहाँ पे पार्किंग होगी ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारित रहेगा। ऐसे बाहर से जो भी बसें आ रही हैं उनको हम लोग आर्मी ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। नीलम्बर पीताम्बर जो ऑक्सीजन पार्क है उधर में VIP पार्किंग होगी। ये जो बड़ा पंडाल है जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होगा उसके सामने में VIP की पार्किंग होगी। मीडिया वाली वालों की पार्किंग आपका बापू वाटिका के पास होगा। इस तरह से हम लोग सभी के लिए पार्किंग की व्यवस्था के आसपास के अलावा दूसरे रूट में संभावना नहीं, बाकी जो रूट हैं वो यथावत चलेंगी। बस मुराबादी के अगल बगल के जो रास्ते हैं जैसे करमकोली चौक हो गया या फिर यहाँ पे होटलिक चौक हो गया, और उसके बाद से उनकी ट्रैफिक थोड़ी सी बदलाव होगी कि जिनको कार्यक्रम में भाग लेना है जो प्रतिभागी होंगे उनका हम लोग प्रोपर एंट्री कराएंगे।